आज के लंच में मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी लेके आए थे। वैसे ये अभी का पत्ता गोभी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को सब्जी कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा यही लेके आती हूँ, क्योंकि बारिश के टाइम लेके आई थी। घर पे कुछ भी नहीं था और इतनी हैवी बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने और हस्बैंड ने सोचा कि चलो यार चलते हैं बाज़ार और कुछ लेके आते हैं। फिर हम लोग ना एक नंबर वाले बाज़ार गए थे, और जब गए थे तो फिर अच्छे से मार्केट खुला भी नहीं था, तो हमें जैसा जो मिला हम लेके आए हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर बारिश इतना हो रहा है, क्या पता 2-3 दिन और भी हो, इस वजह से हम लोग ये सब लेके आए हैं। लेकिन सही था, थोड़ा सा मुझे वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा उसमें ना कीड़ा वीड़ा का सीन था, तो फिर मैंने वेस्ट कट कर करके साफ़ कर करके फिर मैंने बनाया। और मैं साइड में भी आलू काट रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनाना है पनीर, तो पत्ता गोभी और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। और आज जो है हमारे घर में लंच करने वाला है सत्यम, तो अब कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही खा लिया था। वो कम से कम 4 बजे आया खाना खाने के लिए। हमने कहा था कि जल्दी आओ करके, लेकिन उसने कहा था कि तुम लोग खा लो, फिर मैं बाद में आके खा लूँगा, तो वही हुआ। और अब जो है ना मैं लगाने वाली हूँ सेवा, और मेरे घर में ये ब्लू कलर का फूल बहुत उगता है, अपराजिता। आजकल ये अपराजिता का जो फूल है ना, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत लोगों के घर में देखा है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपराजिता का प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। मैंने भी इस बार सोचा था, लेकिन मेरा पीछे का जगह जो इतना गंदा हो गया ना, तो फिर मैं कर नहीं पाई। और इस बार मैंने सोचा था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखूँगी, लेकिन हो नहीं पाया बारिश के चक्कर में। बारिश ख़त्म हो जाएगा तो कुछ दिन में फिर मैं अपना पीछे का काम शुरू कर दूँगी। और फिर हम लोगों ने सोचा है कि हम ऊपर जो है अब अपना सेटअप करेंगे, क्योंकि ऊपर भी मुझे ना खाना बनाना है। मतलब अभी तो ठंड आ गई है, तो ठंड में ना चूल्हे वाला खाना बनता है, तो इस वजह से हम लोग नीचे तो कर नहीं सकते, लेकिन ना ऊपर ही हम लोग अपना जो छोटा सा किचन बनाने वाले हैं, एक रूम टाइप का करके। और ये ढेर सारा पनीर है, मैं सोच रही थी थोड़ा सा रख दूँ, लेकिन रखूँगी नहीं, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हम रात को खाना नहीं बनाएंगे अगर इतना सारा है तो। फिर यही सोच के फिर मैंने बना दिया था, रात को भी मैं यही खा लूँगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लिया था। अब आप बोलोगे कि आलू फ्राई करते हो लेकिन पनीर फ्राई नहीं करते, मुझे पनीर फ्राई करके खाना पसंद नहीं है। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि पनीर में आलू कौन डालता है, एक्चुअल में हम डालते हैं, और बहुत लोग डालते हैं पनीर में आलू, शायद आप ही लोग नहीं डालते हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। और जब हम लोग नॉन वेज खाते थे ना, तो तब भी हम लोग चिकन में ना आलू डाल के खाते थे, तो बहुत लोग ये भी बोलते थे कि चिकन में आलू कौन डालता है, बंगाली गाइस, बंगाली लोग डालते हैं, क्योंकि उनको हर एक चीज़ में आलू डाल के खाना पसंद है। चिकन में अगर आलू ना डाले ना, तो फिर वो चिकन राजा नहीं बनता है, ऐसा बंगालियों का कहना है, और हम खुद ऐसा कहते हैं और करते हैं। अगर हम चिकन में आलू ना डाले तो फिर हम खा नहीं पाते थे। अब तो चलो अलग है सीन, अब नहीं खाते हैं हम, तो अब डालते भी नहीं है, लेकिन पनीर में तो आलू जाता ही है। अच्छा, आप लोग शायद शाही पनीर बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी पनीर ऐसा है जो जिसमें आलू नहीं गिरता है, लेकिन हम लोग जो देसी जो पनीर बनाते हैं उसमें आलू जाता ही है। तो ये जो रिवाज है ना, ये हमारे पूर्वजों से लेके रिवाज चलता हुआ आ रहा है, तो हम ये रिवाज को जो है ना, हम 2 मिनट में मतलब छोटे से कमेंट के लिए हम ये रिवाज छोड़ नहीं सकते, पनीर में आलू डालना। तो आप लोग प्लीज़, बेहतर होगा कि आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि खाने को लेके जज मत कीजिए, आप लोग देखिए, अगर पसंद नहीं आता है स्किप कर दीजिए थोड़ा सा, लेकिन ऐसे खाने को लेके जज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर अलग अलग देश का अलग अलग खाना होता है, पीना होता है, ठीक है। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी के लिए बाय बाय।